This show is sponsored by clickinproperties.in, a complete real estate solution. रांची में भारी मात्रा में पकड़ी गई ड्रग्स के मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए ड्रग्स की बाजार में कीमत करोड़ों में आकी गई है। छानबीन और ड्रग्स के सत्यापन होने के बाद बुधवार शाम को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। गुमला पुलिस ने 3 लोगों को ड्रग्स के साथ पकड़ा था। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर रांची के रातू के एक घर से पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल विभाग के लोगों ने छापेमारी की तो उनके होश उड़ गए। उस घर में ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई कि पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल विभाग को प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में 2 दिन लग गए। पकड़ी गई ड्रग्स की MRP को 50 लाख के करीब है, लेकिन इसका बाजार मूल्य करोड़ों में है। ड्रग्स के साथ रांची से भी 3 लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया है। पकड़ी गई ड्रग्स में अफीम की मात्रा है, जिसे डॉक्टर की सलाह पर ही गंभीर मरीजों को दिया जाता है। खेप पकड़ी गई है, नशे का क्या है, कितना बड़ा है और कैसा नेक्सस है? अभी तक तो जो हम लोग को मतलब इन्फॉर्मेशन मिला, इसमें गुमला से लीड मिली थी, जिसमें 3-4 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं से लीड लेते हुए वहाँ जो पकड़ाए थे लोग, उन्होंने बताया कि मोस्टली रांची से ही इनका कारोबार होता है, और फिर वही उसको दिखाया कि यहाँ पे रांची में इस तरह इस जगह पे ऐसा काम हो रहा है। फिर हम रांची की टीम वहाँ पे जब गई तो फिर बहुत ह्यूज मात्रा में वो एक अंबुज सिंह के द्वारा पता चला कि उनके द्वारा ये कारोबार किया जा रहा है उनके साथ। फिर जब हम लोग और इन्वेस्टिगेशन थोड़ा अगल बगल का पता किए, जहाँ पे पता चला कि वो रहते हैं, वहाँ जाने के बाद हमें पता चला जांच दल को कि उनके साथ और भी 3 मंटू सिंह, छोटू सिंह करके हैं जो इनके साथ मिले हैं। और हम लोगों के जांच दल का ऐसा संभावना है कि उनके साथ रांची में अभी और भी लोग, अगर इन्वेस्टिगेशन हो आगे की तो काफ़ी लोग मिले हो सकते हैं। और ऐसा ऐसा जो एक खेप अभी मिला है जो करोड़ों का है, मार्केट वैल्यू जिसकी करोड़ों की है, ऐसे MRP अगर जाए तो 40-50 लाख के बराबर होगी, पर इसका जो मार्केट वैल्यू है इलीगल बिजनेस का वो करोड़ों में है। और ये बहुत बड़ा हम लोग का अचीवमेंट है। अभी हम लोग इससे सोच सकते हैं कि कितने यंग जनरेशन को हम लोग में जाने से बचा रहे हैं, और हम लोग का आगे का यही रहेगा कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि जो और भी अगर इस तरह का इलीगल बिजनेस हो रहा है रांची में तो हम लोग उसको ट्रैप कर सके। और ये जो खेप आप लोगों ने पकड़ी, ये जो दवा है किस रूप में प्रयोग करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं? ये मोस्टली नार्कोटिक एंड ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर आता है, तो जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं वो NDPS के तहत ही कर रहे हैं सारा कार्रवाई। और इसका मोस्टली मतलब मिसयूज, ये मोस्टली जो भी मेडिसिन है ये पेन के रूप में, इसको पेन किलर के रूप में यूज़ करते हैं, तो इसको जो जितने भी जो अब्यूज़ के रूप में लोग नशा के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं, और इसका जो यंग जनरेशन है उसको। पकड़े गए ड्रग्स टैबलेट कफ सिरप और सिरिंज के रूप में पकड़ी गई है। इसका सेवन करने के बाद किसी भी व्यक्ति का नेगेटिव सोच को खत्म कर देता है, वो उग्र हो जाता है और कोई भी गलत काम कर सकता है। राजधानी के रातू थाने की पुलिस 2 दिनों तक ड्रग्स की गिनती में लगे रहे, इतनी बड़ी खेप पकड़ कर सभी आश्चर्यचकित हैं। पकड़ी गई दवा हिमाचल प्रदेश के सोलन से लाई गई है। पुलिस फरार गैंग के सरगना के साथ साथ ड्रग्स के इस गिरोह में शामिल और लोगों की तलाश में सरगर्मी से लगी हुई है। गिरफ्तार दोनों लोगों पर NDPS की धारा 21C-22C के तहत मामला दर्ज किया गया है। ड्रग्स पकड़ा गया है, क्या इसमें अभी तक कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है? रांची जिला के रातू थाना अंतर्गत न्यू सिमलिया एक बस्ती है, जहाँ से आपने फुटेज जो बनाया है, करोड़ रुपये का ये ड्रग पकड़ा गया है। एक्चुअली इसमें फीडबैक आया था हमको, गुमला SP साहब ने, गुरदीप जनार्दन साहब ने दिया था। वहाँ नॉर्मल चेकिंग के क्रम में कुछ ड्रग्स मिले थे, और उसमें जो लोग पकड़े थे तो उसने ये तस्लीम किया था कि नहीं, ये हम लोग रातू से लेके आ रहे हैं। और उनके इंटीमेशन पर हम एक टीम का गठन किया। राजीव लाल जी हैं यहाँ, इनके साथ हमारे इंस्पेक्टर हैं और दूसरी टीमें इसमें लग के जब इन्हें हम लोग जब्त किया तो वहाँ पर कहीं किसी कोई आदमी थे नहीं है, बाकी जो लोग भी थे वो सभी लोग वहाँ से फरार हो चुके थे। इसमें अंबुज सिंह एंड ग्रुप का नाम आया है, जो इतना स्टॉक करके माल रखे हुआ था। बाज़ार में इसकी कीमत करोड़ रुपया से कम नहीं है, लेकिन जैसा लोग बताया है कि एक स्ट्रिप टैबलेट का 50 रुपये में मिलता है। वो नाइट्रोसोन टैबलेट है, एरनाइट टैबलेट 10 करके है, जिसका कीमत 50 रुपये है। उस
उस प्रिंट लिखा हुआ है, लेकिन आम लोगों को एक टैबलेट 50 में दिया जाता है। 10 टैबलेट का कीमत 50 रुपये है, लेकिन जब लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जो एडिक्टेड हो चुके हैं ड्रग का, वो लोग को 50 रुपये में लेके लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे इस क्षेत्र में गुमला, सिमडेगा, हम लोग का रांची का जो ग्रामीण एरिया है, नवयुवक लोग काफ़ी इसके एडिक्ट हो चुके हैं, जिसमें कोडीन और मॉर्फिन मिलता है और उस बिना उसके वो लोग रह नहीं सकेंगे, ऐसा उनको हो चुका है। और ये एक अच्छा कैच था, इसमें सीनियर एसपी साहब, डीआईजी साहब को मार्गदर्शन इसमें मिला था। और यहाँ हम बताएं आपको कि हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, झारखंड के बन्ना गुप्ता साहब ने स्पेशल इसमें ये किया कि ऐसे लोगों को आप लोग गिरफ्त में लीजिए और बिल्कुल समाज को इस चीज़ों से। अभी तो दो गिरफ्तारी हो चुकी है गुमला में, अब यहाँ जो स्टॉकिस्ट हैं वो लोग अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि निकट भविष्य में इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और इसमें और भी आगे जांच में, पड़ताल में जो लोग भी इस रैकेट में होगा, उसको निश्चित रूप से हम लोग बख्शेंगे नहीं। हमको ये ऐसा लगता है कि रांची जिला में इस ढंग का ये कार्रवाई जो हुई है, ये इससे कहीं ना कहीं आम जनता को जो इससे जुड़ा हुआ है उसको रिलीफ मिलेगी, उसकी जिंदगी बचेगी। क्राइम में भी कंट्रोल, बिल्कुल क्राइम में भी कंट्रोल। मैंने ऐसा देखा है अभी कि जो लोग इस ड्रग का इस्तेमाल कर लिए हों, चाहे वो इंजेक्शन के रूप में ले रहे हों, चाहे वो ओनारेक्स सिरप के रूप में ले रहे हों, कोडरेक्स सिरप के रूप में ले रहे हों, वो लेने के बाद वो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उनको इतना एनालिसिस करने का ब्रेन में सलाहियत नहीं रहती है। और कल ये घटना हुई है जिसमें एक आदमी को पत्थर से पीट पीट कर मार दिया गया, ऐसा लग रहा था कि वो रुक ही नहीं सकता, मार रहा तो मार रहा। इसका मतलब ये है कि इस ढंग का दवा का इस्तेमाल करके लोग नए नए युवक काफ़ी परेशान हुए और उनकी ज़िंदगी खतरे में थी। निश्चित रूप से ये इस पर